हमें ये महसूस हुआ कि जब हमने गरीदा फारूकी को मैंने इंटरव्यू दिया तो वो इंटरव्यू उन्होंने जो है ना ट्रिम करके सिर्फ वो एक पार्ट जो है ना प्ले किया, हालांकि जो दूसरा पार्ट था वो उन्होंने प्ले नहीं किया। कुछ टीआरपीस के लिए या किसी के कहने पर आकर जो है ना इस मूवमेंट को जो है ना सबोटाज करने की कोशिश करना चाहते हैं, तो मैं आप सबको कहूँगी कि आपका ये अमल गैर इंसानी अमल है। कि आतों में जो तस्वीरें हैं ना उनके रंग उतर चुके हैं, 10-10 सालों से उनके पास इतने भी वसाइल नहीं है कि वो अपने लिए एक तस्वीर ले सके। अभी जो ये आप सब लोग कर रहे हैं इससे आपकी बदनीयती जाहिर होती है, इससे जाहिर होती है कि आप बजाते खुद एज ए इंसान जो है ना आप इंसानियत है ही नहीं। जो आप काम कर रहे थे वो चाहते थे आपके साथ ऐसा हो। उन्हें जो है ना फीड मिल रहा था कि ये सवाल पूछे ये सवाल पूछे, और जब वो मुझसे गुफ्तगू कर रही थी तब भी मैंने उनकी आंखों में आंसू देखे थे। मैंने फिजा अकबर या गरीदा फारूकी? फिजा की आंखों में। मेरा सवाल मारा तो नहीं था, मेरा सवाल बुरा नहीं है, आप प्लीज मुझे बोलने दे। मैं सब की मजम्मत करती हूँ, मैं तमाम जो भी वायलेंस कर रहे हैं मजम्मत करती हैं। जी हाँ करती हूँ। क्या बलोची साइड की मजम्मत करती है? क्या आप इन माओ के प्यारों की जो आपने उठाया उनकी मजम्मत करी है? मैं मजम्मत करती हूँ, आप मजम्मत करते हैं? मेरे सवाल मैं मजम्मत करती हूँ बी एल ए की, आप क्या अपने स्टेट की मजम्मत करती है? इंसाफ कितना बड़ा बड़ी जिम्मेदारी है, इंसाफ के बगैर तो एक घर नहीं चल सकता है, आप एक रियासत को कैसे चला सकते हैं? आप समझते हैं बलूचिस्तान में एक बंदा जो है ना मैट्रिक की तालीम तक नहीं पहुंच सकता है? बलूचिस्तान जैसे बदबख्त इलाके में अगर कोई पीएचडी तक पहुंच जाए आपकी यूनिवर्सिटी में और आप उसे उठा कर ले जाए, 4 दिन से उसका कोई ट्रेस नहीं है, थाने थाने हम उसे ढूंढ रहे हैं। अगर आप लॉलेसनेस देखना चाहते हैं स्टेट की ना तो देखें। नाज़रीन इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हैं, यहाँ पर बलोच जो एहतजाज कर रहे हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, ज़मीन पर बैठे हुए हैं, महारंग बलोच की आपको गुफ्तगू सुनवाते हैं। लेकिन यकीन करें अल्फाज नहीं हैं, ठड़ठड़ाती हुई सर्दी है इस्लामाबाद की और सर्द हवाएं, यानी यहाँ पर खड़े होने से मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। और ये बलोची जवान बच्चे उनकी ख़वातीन फैमिलीज यहाँ पर नीचे बैठी हुई हैं। महारंग बलोच जो इस कैंपेन को लीड कर रही हैं, इस मूवमेंट को लीड कर रही हैं, उनकी गुफ्तगू आपको सुनवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब आप पहले ये बताएं कि आप डॉक्टर हैं, आपकी अपनी क्या क्वालिफिकेशन और कब से आप ये स्ट्रगल कर रहे हो? ये तकरीबन 2006 से जब मेरे वालिद को अगवा किया गया उसके बाद से, और जी मैं MBBS डॉक्टर हूँ, अभी मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन चल रहा है सर्जरी में। आपने कहाँ से किया है? बुलान मेडिकल कॉलेज। और अभी आपकी एजुकेशन जारी है? जी जी FCPS। ठीक है, आप लोग यहाँ पर मैनेज किस तरह से कर रहे हो, खाना किस तरह से आप मैनेज कर रहे हो, फिर ये सारे नौजवान आपके साथ बलोच नौजवान यहाँ पर खड़े हैं, किधर सोते हैं और किस तरह से मैनेज होता है सर? देखें सब के सब यहीं बैठे रहते हैं और हम नौजवानों को सबको कुछ किसी को भी खाना नहीं देते, क्योंकि एक अवामी तहरीक है, तो इसमें माशाल्लाह से हम जहाँ जहाँ गए हैं वहाँ अवाम ने खुद हमारी मदद की है, जगह उन्होंने हमारे लिए खुद अरेंज किया है, और हमारे यहाँ ज़्यादा खर्चा ही नहीं। हम दोपहर का खाना होता है या रात का तो कोई रजाकाराना तौर पर खाना लाता है, पानी लाता है, चाय लाते हैं, तो इसी तरह हमारा गुजारा चल जाता है। ठीक है, ब्राय मेहरबानी ये भी बताएं कि कुछ साफ़ी आपके पास पहुँचे हैं जिन्होंने बहुत सारे ऐसे सवाल किए जिनके पीछे महसूस हो रहा था कि एक प्रोपेगेंडा है, तो उसके ऊपर आपकी क्या राय है? मुझे बहुत अफसोस हुआ जब मैंने तहम्मुल से उनसे जवाब सवालात के जवाब दिए। मैं देखें साफ़त से पेशे से मुस्लिम, मैं हर उस इंसान को टाइम देने के लिए तैयार हूँ, वो हमसे जितना तल्ख बिहेव करेंगे मैं उतने ही तहम्मुल से उनको जवाब दूंगी। लेकिन जिस तरह वो मजम्मत के नाम पर इस सियासी तहरीक को जो है ना सबोताज करना चाहते हैं, वो सियासी तहरीक सबोताज नहीं होगी। उनको सबसे पहले बलूचिस्तान में होने वाली नस्ल कुशी की मजम्मत करनी पड़ेगी। 1948 से लेकर अब तक बलोच यकजहती कमेटी उस वक्त तश्कील हुई जब मलिक नाज बलोच जो एक औरत थी जिसके घर में जो है ना रियासती डेथ स्क्वाड ने जो है ना हमला किया उस पर, उसकी बेटी ब्रम्श बलोच, जाएं और सोशल मीडिया में देखें जस्टिस फॉर ब्रम्श बलोच के नाम पे एक हैशटैग है, उसकी बच्ची जख्मी हुई और वो औरत मारी गई, वो बलोच औरत मारी गई। तो आपको इस मसले की ग्रीवियंसिस को समझना चाहिए कि ये मसला कितना ज़्यादा संजीदा मसला है, और अगर आप कुछ टीआरपीस के लिए या किसी के कहने पर आकर जो है ना इस मूवमेंट को जो है ना सबोटाज करने की कोशिश करना चाहते हैं, तो मैं आप सबको कहूँगी कि आपका ये अमल गैर इंसानी अमल है। सहाफत को छोड़े, सहाफत तो एक दूसरी जगह है, ये इंसानी अमल भी नहीं है। वो लोग जो यहाँ आकर अमला आवर होते हैं खासकर मुझ पर, मैं उनसे यही सवाल करती हूँ, ये सवाल जो है ना आप जाके अपने रियासत से करें कि बलूचिस्तान की हालत क्यों हुई है, बलूचिस्तान में जो शिद्दत पसंद तंजीमें बनी हैं उससे पहले शिद्दत पसंद तंजीमों से पहले जो है ना बलूचिस्तान की हालत को देखें। और ये जो खानदानें बैठी हैं आपके सामने ना,
आप इनसे गुफ्तगू भी ना करें, आप आए उनसे मिले, सिर्फ और सिर्फ मिले। उनके हाथों में जो तस्वीरें हैं ना, उनके रंग उतर चुके हैं। 10-10 सालों से उनके पास इतने भी वसाइल नहीं है कि वो अपने लिए एक तस्वीर ले सके। तो आप जब उनको देखेंगे ना, आप शर्मिंदा होंगे, आप शर्मिंदा होंगे कि आप बतौर साफी 70 साल से बलूचिस्तान में जो नस्ल कुशी हो रही है, आपने वो फर्ज तो नहीं निभाया। जब इन माओं ने अपनी मेहनत आपके तहत मार खा के इस तहरीक को यहाँ तक लेकर आए, तो तब भी पहले आप कहते थे कि हमें जो है ना रियासत नहीं छोड़ती है, जो है ना हम रियासत के जबर की वजह से, सहाफत पर सेंसरशिप की वजह से जो है ना हम ये कर रहे हैं। अब तो कोई सेंसरशिप नहीं है, अब तो कोई इंटरनेशनल मीडिया से लेकर सबके सब इस इशू को हाईलाइट कर रहे हैं। अभी जो ये आप सब लोग कर रहे हैं, इससे आपकी बदनीयती जाहिर होती है, इससे जाहिर होती है कि आप बजाते खुद एज ए इंसान जो है ना, आप इंसानियत है ही नहीं। जो आप काम कर रहे थे, वो चाहते थे आपके साथ ऐसा हो, आप चाहते हैं, और आपने बलूचिस्तान समेत पाकिस्तान में जितनी इंसानी हकूक की पामालियाँ हो रही है, आपने कसदन उन पर अपनी आंखें बंद की हुई है, अपने शोबे के साथ और अपनी इंसानियत का जो आपको इतना बड़ा वो लगा हुआ है उसके साथ आपकी जी बिल्कुल नहीं। डॉक्टर साहब ये बताएं कि डॉक्टर फिजा अकबर आपके पास आई और उसके बाद हमें ये खबरें मिली कि आपने इंटरव्यू देने से भी शायद मुख्तलिफ चैनल्स को इनकार कर दिया है। ये भी खबरें आई कि डॉक्टर फिजा अकबर बाद में खुद भी रोना शुरू हो गई चूंकि उन्हें बहुत सारे सवाल फीड किए जा रहे थे। बिल्कुल ऐसा ही था। सबसे पहले तो ये क्योंकि हमें ये महसूस हुआ कि जब हमने गरीदा फारूकी को मैंने इंटरव्यू दिया, तो वो इंटरव्यू उन्होंने जो है ना ट्रिम करके सिर्फ वो एक पार्ट जो है ना प्ले किया, हालांकि जो दूसरा पार्ट था वो उन्होंने प्ले नहीं किया। उसके बाद इस टाइम हमने, क्योंकि हमारी बलोच यकजहती कमेटी की पेज भी लाइव थी, तो मैं उनसे मुसलसल बात कर रही थी, उन्हें जो है ना फीड मिल रहा था कि ये सवाल पूछे, ये सवाल पूछे, और जब वो मुझसे गुफ्तगू कर रही थी तब भी मैंने उनकी आंखों में आंसू देखे थे। मैंने फिजा अकबर या गरीदा फारूकी, फिजा की आंखों में। तो मुझे अफसोस हुआ जो बार बार मुझसे वो सवालात कर रही थी, मुझे लगता है कि वो जो कंडेमिनेशन हम मुझसे मांग रही थी, मैं यही कहती हूँ कि मैं कंडेम करती हूँ तमाम वायलेंसेस को, लेकिन क्या आप कंडेम करते हैं, क्या आपकी रियासत कंडेम करती है? मैंने उनसे यही सवाल पूछा कि बतौर सहाफ़ी आपने 70 सालों से बलूचिस्तान में होने वाली नस्ल कुशी के खिलाफ जो है ना, आपने क्या रियासत से ये सवाल किया कि वो कंडेम करते हैं या वो नहीं करते? जो वायलेंस, जो कत्ल वगारत आप लोगों ने बलूचिस्तान में जारी की हुई है, जो चेक पोस्ट आपने बनाए हुए हैं, जो आप लोगों ने बड़े बुरो किसी को माफ़ नहीं किया, क्या आपने वो कंडेम किया? मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, सारी चीज़ों को आप एक साइड कर दें। 3 दिन पहले औरतों को घसीटा गया आपके शहर में, आपके इस्लामाबाद में, बलूचिस्तान के किसी शहर में नहीं, कस्बे में नहीं, उनको घसीटा गया उनकी चीखों से। इस्लामाबाद का शायद मैं बोलती हूँ और दीवार जो है ना वो तड़प जाना चाहिए था। क्या आपने यही माइक जो है ना अपने जो है ना पुलिस अफसरान अपने स्टेट के मुंह में रख कर पूछा कि आपने क्या आपकी इसकी मजम्मत करते हैं या नहीं करते हैं? आपने वो नहीं किया, आप नहीं कर रहे हैं। मगर अगर यहां से दूर एक और बलोची हैं, काजी फैज ईसा साहब चीफ जस्टिस हैं, इंसाफ की सबसे बड़ी कुर्सी के ऊपर बैठे हुए हैं, अगर वो कांप जाते तो मेरे ख्याल में रियासत की और इस्लामाबाद की दीवारें भी कांप जाती। बिल्कुल। और जब ये बालाज का जब केस हुआ, बालाज के केस में सेशन कोर्ट ने जो है ना FIR दर्ज करवाई और सेशन कोर्ट ने के सामने बालाज जो है ना पेश हुआ। हम समझते हैं कि ये सब के सब इख्तदार वाली कुव्वतें जो है ना ये बेइख्तियार है, लेकिन मेरा उनसे सवाल ये है कि अगर आप इख्तियार नहीं रखते हैं, इंसानी तौर पर आए और हमें बोले कि हम कुछ इख्तियार नहीं रखते हैं, जो अहदा में दिया गया है, जो इंसाफ कितना बड़ी जिम्मेदारी है, इंसाफ के बगैर तो एक घर नहीं चल सकता है, आप एक रियासत को कैसे चला सकते हैं? आप जब लोगों को इंसाफ नहीं दे सकते, आपको क्या लगता है कितने अरसे तक आप जो है ना इस तरह इस रियासत को चला सकते हैं? कितने अरसे तक आप लोगों को दबा सकते हैं? आपने बलूचिस्तान में जो कत्ल गारत की, जो अपने फौजी सिपाहियों को खुली छूट दी, जो डेथ स्क्वाड बनाए, जो CTT बनाए, आपने कहा कि बलोच खामोश हो जाएंगे, लेकिन बलोच खामोश नहीं हुए। आप आज देखें बलूचिस्तान पूरा सरापा एहतजाज है, जहाँ आपने अवारान जैसा शहर जिसकी तमाम आबादी इंटरनल डिस्प्लेस हो चुकी है, सारी आबादी ने जो है ना माइग्रेट कर ली है, आज अवारान में भी हमारे लिए मुजाहरे हो रहे हैं, आज तीर्थेज में भी हमारे लिए मुजाहरे हो रहे हैं, आज हमारी आवाम, और मैं बलूचिस्तान को चले छोड़े, आप देखिए यहाँ इस्लामाबाद में हमारा कौन है? और कोई नहीं है, जो हम लोग जितने लोग लाए थे उसके अलावा कहाँ कहाँ से हमारे पास लोग नहीं आ रहे? गिलगित से आ रहे हैं, पेशावर से आ रहे हैं, एबटाबाद से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं जी? मैं यही पूछती हूँ क्यों आ रहे हैं? अगर हम एजेंट थे आपके बतौर, अगर हम किसी के एजेंट के तौर पर आए और हमें बैरूनी फंडिंग मिल रही है, तो मैं यही सवाल करती हूँ ये लोग क्यों आ रहे हैं? ये लोग इसलिए आ रहे हैं कि इंसानियत के नाते आ रहे हैं। हम सब बतौर इंसान जो है ना, आप सबके इस कत्ल व गारत से परेशान हो चुके हैं हम, ये हमारी अवामी कुव्वत है, हमारी ताकत है, और मैं आवाम से सबसे अपील करना चाहती हूँ, जो यहाँ आया है हमसे ये कहा जाता है ये लोग आए हैं, इनको क्या आप इन सब, मैं इन सबको नहीं जानती हूँ,
मैं इनमें से किसी को नहीं जानती हूँ। ये आते हैं, ये यहाँ हमारी बाहों के साथ उनका दर्द बांटते हैं, ये यहाँ सर्दी में बैठते हैं, देखे इनके ये घास में बैठे हुए हैं, जमीन के ऊपर बैठे हुए हैं, देखे इनको क्या मिल रहा है, कोई नहीं, कुछ भी नहीं मिल रहा है, ना ही इनको किसी ने फंडिंग दी हुई है, ना ही कुछ। ये वो चीज है जिससे आप कितने दिन मजीद यहाँ पे बैठेंगे? देखिये वो उसका फैसला तो ये रियासत करेगी। अच्छा, वो फैसला तो किसी ने आपके साथ कोई नेगोशिएशंस, कोई बातचीत, कोई गुफ्तगू नहीं? हमने नेगोशिएशंस के लिए 3 दिन का अल्टीमेटम सिर्फ इसलिए दिया था कि जो लापता, जो जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जो डॉक्टर ज़हीर, जिसकी वेयर अबाउट्स अभी तक हमें नहीं पता है, 4 दिन से वो PhD का स्कॉलर है, उसके वालिद ने मुझे सुबह फोन किया, मैं शर्मिंदा हो गई। यकीन करें मेरे पास जवाब नहीं है। आप समझते हैं बलूचिस्तान में एक बंदा जो है ना मैट्रिक की तालीम तक नहीं पहुँच सकता है। बलूचिस्तान जैसे बदबख्त इलाके में अगर कोई PhD तक पहुँच जाए आपकी यूनिवर्सिटी में और आप उसे उठा कर ले जाए, 4 दिन से उसका कोई ट्रेस नहीं है, थाने थाने हम उसे ढूंढ रहे हैं। अगर आप लॉलेसनेस देखना चाहते हैं स्टेट की ना, तो देखें 4 दिन से आपके कैमरों के सामने ज़हीर को आप देखेंगे कि वो जो है ना दाढ़ी, पुलिस इंस्पेक्टर की दाढ़ी पर हाथ लगा रहे। क्या आप जो है ना खुदा के लिए उन औरतों को छोड़े, आप ऐसा नहीं करें। वो ज़हीर 4 दिन से किसी अदालत में पेश नहीं हुआ है। ये लॉलेसनेस है, ये आपके इस्लामाबाद में हो रहा है। उसका बाप मुझसे पूछ रहा है मेरा बेटा कब आएगा, मैं क्या जवाब दूँ उसको? उसका जवाब क्या ये रियासत दे सकती है, इसकी आवाम दे सकती है कि एक 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 आदमी जो PhD तक पहुंचते उसने पता नहीं कितने दर्द कर्ब झेले उसके खानदान वालों ने, और वो क्या कर रहा था, सिर्फ यहाँ पे बैठा हमारा इंतजार कर रहा था ना। क्या हो जाता अगर यहाँ पे आपके शहर इख्तदार में 3 दिन से हम बैठे हैं ना। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत डॉट पीके भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कानून मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत डॉट पीके की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआज के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाए, क्या सवाल ना करें, क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं, क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है, और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है, या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।